नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणेश जी को मंगल कर्ता और दुख हर्ता कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के लिए किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन जो छोटे छोटे उपाय होते हैं हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस होने में, हमारे तरक्की होने में काफी मदद करते हैं। अगर आप भी गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और भगवान गणेश जी एक ऐसा बाल गणेश कहे गए हैं, हमारे एक ऐसा मित्र सखा कहे गए हैं जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से उपाय से प्रसन्न हो जाते हैं। और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन दौलत अष्ट प्रकार की सिद्धि, ये सारे चीज भगवान गणेश जी के पास में है। ये सभी चीजें भगवान गणेश जी को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा आपको भी प्राप्त हो, आप अगर धनवान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ी भी पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है, अगर कोई भी व्यक्ति बुधवार के दिन जो कि कर्जे से, जो कर्जे का भार होता है इससे परेशान है, जीवन में चल रही बीमारी से परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति को चिड़िया के लिए छत पर चावल या दाने अवश्य डालना चाहिए। इसे निर्धनता मिटती है, गरीबी मिटती है। अगर किसी भी प्रकार के ऐसे रोग ने आपको ग्रसित कर ले जिससे आप ठीक नहीं हो पा रहे तो इसे रोग ग्रस्त जो व्यक्ति हो जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। दूसरा उपाय, मगज के लड्डू गणेश जी को भोग के स्वरूप में अवश्य लगाएं, क्योंकि मगज के लड्डू भगवान गणेश जी को प्रिय हैं, इसे भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, जो चूहे का बिल होता है, क्योंकि जो चूहे होते हैं भगवान गणेश जी का वाहन है, तो चूहे का बिल का मिट्टी ला करके घर में अगर कोई भी व्यक्ति दिवाली के दिन, ध्यान दीजिए दिवाली के दिन या किसी भी बुधवार के दिन ला करके छिड़कते हैं तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन दौलत ये सारी चीज स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। पर एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आना है चूहे के जो बिल होता है उसमें कि भगवान मैं आपको इस दिन ले जाने आऊंगा, और बुधवार के दिन जा करके अब जो सुबह स्नान ध्यान करके इसे ले आना, घर में छिड़क देना। इससे घर से निर्धनता मिटती, घर में धन आने का हर मार्ग खुलता है। चौथा उपाय, आग दूध के जड़ का मिट्टी, ये भी ला करके अगर घर में स्थापित किया जाए, इसका पिंड बना करके, पिंड मतलब इसका गोला बना करके, आग जो दूध होता है अगर 11 वर्ष पुराने आग दूध जो सफेद कलर के होता है अगर आपको सौभाग्य से मिल जाते तो फिर इसे समझ जाइए भगवान साक्षात गणेश जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी। 11 वर्ष पुराने जो सफेद आग दूध होता है इसे गणेश जी का स्वरूप बताया जाता है। और शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि इसकी मिट्टी का अगर पिंड बनाकर के घर में रखा जाए तो उस घर में साक्षात गणेश जी निवास करने लगते हैं। और जिस जगह पे गणेश जी निवास करने लगे फिर वह घर अन्न धन से भर जाते हैं, बीमारी है, दोष है, रोग है, सारी चीज नहीं ठहरते। पांचवा प्रयोग, सफेद आंख की जो लकड़ी होती है, जी हाँ, जो डंठल होती है, इसके माला बना करके अगर कोई भी व्यक्ति अब गौ माता को 24 घंटा के लिए पहना देना या भगवान गणेश जी की जो मूर्ति उसे पहना देना, इसके बाद इसे आप जो धारण कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सफेद आंख की लकड़ी की माला बना करके धारण करते हैं इससे दुर्भाग्य दूर होता है, दरिद्रता समाप्त होता है, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटता है। इसके बाद छठा उपाय, कुश की जड़ की माला बना करके गणेश जी को पहनाने से सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। जिस भी मनोकामना के लिए पहनाएंगे वह मनोकामना पूर्ण होते हैं। अंतिम उपाय, दुर्वा घास, जो सफेद कलर की दुर्वा घास होते हैं इसे ला करके गणेश जी को चढ़ाने से इच्छा की पूर्ति, धन की प्राप्ति होती है। दुर्वा घास को अति पवित्र बताया जाता है और भगवान गणेश जी से तत्काल प्रसन्न होते हैं, तनिक भी देरी नहीं लगाते और साधक की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो सफेद कलर की दुर्वा घास ला करके भगवान गणेश जी को समर्पित करें, इच्छा बोले वह इच्छा निश्चित रूप से सप्ताह भर के भीतर में पूर्ण भगवान गणेश जी कर देते हैं। अगर सप्ताह भर के भीतर में नहीं होते तो 3 लगातार बुधवार को आपको दुर्वा घास भगवान गणेश जी को चढ़ाना, जन्म जन्मांतर की गरीबी है, निर्धनता है, जो परेशानी चल रही है वह स्वतः यूं ही चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी, आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।